हमने दिल्ली प्रदेश की बैठक बुलाई और हमने तय किया है कि हमारे कार्यकर्ता 1 मार्च से चुनाव होने तक कम से कम 3 से 5 बार डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए एक एक घर में जाएंगे और 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोट करने के लिए, वोट फॉर करप्शन फ्री इंडिया, वोट फॉर ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी के लिए ये बड़ी मुहिम चलाएंगे और इसके लिए हमने प्रत्येक जिले को एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, कलर्ड प्रिंटर और सारे आधुनिक मोबाइल से लेकर के इंटरनेट से लेकर के सारे आधुनिक तंत्र से उसको जोड़ रहे हैं। ये देश का पहला सामाजिक संगठन होगा जो सारी तकनीकी से लैस होगा और फरवरी महीने तक हमारे सारे के सारे हिंदुस्तान के कार्यालय जो 650 जिलों में फैले हैं वो सारे के सारे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुके होंगे और 1 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में हम अपनी सूचनाएं भेज सकेंगे। और 23 मार्च को दिल्ली में मैं स्वयं रहूंगा और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ योग करेंगे। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक आयोजन होगा जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी। 17 मार्च से योग सप्ताह शुरू हो जाएगा और होली 17 मार्च से वो चलने वाला योग सप्ताह तहसील स्तर पर चलेगा और 23 मार्च को शाम के समय 3 बजे से पूरे देश के लोग एक साथ 10 करोड़ से ज्यादा योग करेंगे और योग के माध्यम से जब देश के लोग संगठित होंगे तो हिंदुस्तान को एक स्थायी और मजबूत सरकार मिले उसके लिए वोट करने के लिए भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे। तो 23 मार्च के योग महोत्सव के लिए जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग एक साथ योग करेंगे और 2014 के धर्म युद्ध के लिए आज हमने यह बैठक रखी थी और हर एक बैठक में हम अपने संगठन को जहां आधुनिक पूरा तंत्र उपलब्ध करा रहे हैं वहीं हर एक जिले को कम से कम एक वाहन, अभी संगठन के पास में 200-250 कारें हैं तो हर एक जिले को कम से कम एक एक मोटरसाइकिल मिले जिससे कि कार्यकर्ताओं को काम करने में सुविधा रहे। यहाँ हमारे पूर्व सैनिक आदरणीय गाबा जी तो यहाँ 19 मोटरसाइकिल जो है अलग अलग समितियों को दी गई है जिससे कि लोगों तक संपर्क का कार्य और संगठन को गति देने के कार्य में ऊर्जा मिले। और दिल्ली सहित तो पूरे देश के संगठन के अभी तक हम मीटिंग कर चुके हैं, 1-2 प्रांतों की शेष है। कल मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं और उसके बाद में हम एक एक लोकसभा क्षेत्र में स्वयं जाएंगे। मेरा लक्ष्य होगा 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में स्वयं जाना और 300 से ज़्यादा सांसदों के साथ मोदी को संसद में पहुँचाना और साथ में ये भी बताना कि कांग्रेस का समर्थन लेने वाले और देने वाले भी कांग्रेसियों जैसे ही हैं। तो लोग अपने वोट को खराब ना करें क्योंकि जितने लूट 1000 सालों में मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्क की नहीं कि उससे ज़्यादा जिस लुटेरे खानदान ने देश की लूट की है उससे मुक्ति मिले और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का इतिहास 2014 में बने, देश की आर्थिक नीतियाँ बदलें और करीब 1000 लाख करोड़ का जो काला धन है जो 16 करोड़ से ज़्यादा बाहर गया और 900 लाख करोड़ पर देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में है वो देश को मिले और पूरा देश खुशहाल बने, इसके लिए ये अभियान, ये कैंपेन अब जोर शोर से शुरू कर दिया। आज यहाँ 19 मोटरसाइकिल दी गई हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान के हर एक ज़िले को जहाँ पहले मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ हैं उसके अलावा करीब 500 मोटरसाइकिलें पूरे हिंदुस्तान में संगठन को दी जाएंगी। दूसरे राजनीतिक दल के नेता पर आरोप लगते इस्तीफा दो,
और अपने नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन साबित हो जाएं, उनके ऊपर सारे अपराध प्रमाणित भी हो जाएं, तो उनके को बचाने के लिए खुद उनके मुख्यमंत्री आगे आ जाएं, तो करनी और कथनी में अंतर होने से वो पार्टी अपना विश्वास खो रही है। जो क्रेडिबिलिटी 100% पर थी वो 10 पर आ गई है, कहीं ये भी ना खत्म हो जाए, इसलिए उनको बहुत सोच समझ करके चलने की ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक जैसे उनको संविधान में अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे ही जो राजनीति में विशेष होदा पा चुके हैं उन लोगों को भी साधारण नागरिकों की तरह आचरण करना चाहिए। इससे समाज में एकता बनी रहेगी, समरसता बनी रहेगी और सिंहासन पर बैठे लोग जो है उनको सत्ता का नशा नहीं होगा। देखिए 23 मार्च का तो योग महोत्सव, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ योग करेंगे, ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा, लेकिन हम लोगों को संगठित होकर के देश के लिए वोट करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। मैं मानता हूँ कि एक स्थायी और मजबूत सरकार के लिए वोट करना वो राष्ट्र धर्म है, तो योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का भी आह्वान होगा। योग धर्म और राष्ट्र धर्म की दोनों साथ साथ बात करेंगे, लोग संकेत में समझ जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो परंपरा चली आई है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उन परंपराओं में जहां पर भी समाज में कहीं कमियां आई हैं उसको हमने दूर किया, परिष्कृत किया है, लेकिन कभी भी कोई दुनिया का देश परंपराओं को नकारता नहीं है। अरे जिस ब्रिटेन को हम आदर्श मानते वहां तो कोई लिखित संविधान ही नहीं, परंपराओं के आधार पर ही वो देश चल रहा है। तो परंपराएं हमारी शक्ति हैं, हमारी संस्कृति है, लेकिन उन परंपराओं में कहीं यदि कमियां आ गई हैं तो उनको भी दूर करने के लिए हमें जरूर सोचना चाहिए। दो मिनट सुब्रमण्यम स्वामी। पहले तो मुझे हर्ष होता है इस बात बताने में कि अभी लेटेस्ट ट्रांसलेशन कंप्यूटर के असिस्टेंस के साथ बनी है, वो है नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी। नॉस्ट्राडेमस एक इटालियन था और उसने भविष्यवाणी हिंदुस्तान के बारे कहा है कि लगभग 2010 के बाद एक साधु संन्यासी आएगा और वो जो कुकर्म करने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं उनको उतारेगा, समाप्त करेगा और एक राष्ट्र पुनरुत्थान करने की शक्ति को आगे लाएगा एक साधु संन्यासी के जरिए। तो मैं तो समझता हूँ कि बाबा रामदेव की जो अब पहचान है अब देश में सबको पता लग जाएगा। अभी स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन की आपके सामने घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 मार्च को 10 करोड़ लोग एक साथ योग करेंगे। मुझे स्मरण आया, मैंने उल्लेख भी किया अभी ऊपर, सन 2000 के अंदर जापान के कोबे शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सबसे प्रतिष्ठित सेंटर पर दुनिया के 125 स्वास्थ्य से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने मिलकर 21वीं शताब्दी के लिए हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट के लिए जो पेपर पब्लिश किया, उसमें उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी में जो सबसे ज़्यादा हेल्थ फॉर ऑल के गोल को अचीव करने के लिए हीलर ऊर्जा प्रतिपादित होगी वो भारत के पतंजलि योग के माध्यम से होगी। मैं उस सम्मेलन में कोबे जापान में 1-2-3 नवंबर 2000 में स्वयं उपस्थित था। उस समय मैं स्वामी जी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन मैंने पिछले 14 वर्षों में जो उनके सारे कार्य को और विशेषकर जो उन्होंने सारे देश और दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी मुक्त करने के लिए, योग के माध्यम से एक आदर्श जीवन जीने के लिए जो प्रेरणा दी है, उसके लिए ये सारा देश, सारी दुनिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन उनका हमेशा ऋणी रहेगा। और इस समय उन्होंने इसके साथ साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प किया है, भारत के गौरवमयी अतीत को, भारत की महान संस्कृति को, भारत की महान श्रेष्ठ परंपराओं को, जिनको ये देश विस्मृत कर चुका है,
उसका स्मरण वो सारे देश को करा रहे हैं और सारे देश को एक योगी मेंटालिटी से, उस भाव से, उस संकल्प से अपना राष्ट्र धर्म पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में सारा देश का समाज प्रेरणा लेकर आने वाले 2014 को भारत के भविष्य के लिए ऐतिहासिक वर्ष बनाएगा और भारत में एक ऐसी सरकार की स्थापना होगी जो पुनः भारत को उनके आशीर्वाद से विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करेगी, जहां भारत का भविष्य उसके गौरवमय अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ होगा।